अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। ईवीएम मशीन बंडारपुर परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से काश्मीर तक ये बंडारपुर परिवर्तन यात्रा चलने वाली है। 21 फरवरी से ये शुरू हुई है 2023 को और 21 फरवरी 2023 का 365 दिन का 674 जिलों को कवर करते हुए ये परिवर्तन यात्रा देश भर में चले। साथियों, आप लोगों को याद होगा ईवीएम पंडरपुर परिवर्तन यात्रा आपने निकाली थी, कोविड की वजह से वो कन्याकुमारी तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए इस समय हमने कन्याकुमारी से ही इस अभियान को शुरू किया। तो सारे देश भर में ये कार्यक्रम चलेगा और ये परिवर्तन यात्रा पार्ट टू दूसरी परिवर्तन यात्रा है, बंडारपुर परिवर्तन यात्रा है। आप लोगों को याद होगा क्या हो सकता है आपको याद ना हो, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में जजमेंट दिया। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पेपर ट्रेल मशीन से केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिए, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है। जिस किसी को भी चाहिए वो आप लोगों से ले सकते हैं। पैरा नंबर 29 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री एंड मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ब्रीफ में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जो लोग ऐसा कहते हैं नहीं नहीं ईवीएम मशीन में कोई घोटाला नहीं होता, वो लोग खरे की औला और ये बात मैं ये जितने आप लोग सोशल मीडिया देख रहे हो ये जितने कवर हो रहा है ये सारे देश दुनिया में लोग ये आवाज जा रहे सारे देश में। जो लोग ऐसा कहते हैं ये कोई गड़बड़ी नहीं होती है वो सब गरीब की औलाद। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि मुझे कोई गाली देने का शौक है, इस वजह से कह रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के अनुसार सबसे बड़ी अदालत है और उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। कितने पढ़े लिखे लोगों को यह जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला उसको कानून का दर्जा हासिल है। कितने पढ़े लिखे लोगों को समझ में आता, अनपढ़ों को समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे लोगों को यह बात समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कानून का दर्जा हासिल है। तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो भारत में कानून है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद कहा ईवीएम मशीन की छानबीन करने के बाद कहा ईवीएम मशीन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा कहते हैं नहीं हो सकता, कितने लोगों ने छानबीन किया अपनी राय बनाने के पहले कि नहीं हो सकती है गड़बड़ी। किसी ने ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती ये बात छानबीन करके बनाए ये राय है? किसी ने भी छानबीन करके नहीं बनाया। चुनाव आए तो किसी आदमी को ईवीएम को हाथ ही नहीं लगाने देती। तो दूसरे लोगों की छानबीन का कहां सवाल आता है? सुप्रीम कोर्ट के पास तो सारे अधिकार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, उसके बाद तमाम प्रकार के छानबीन के पावर है। उसने तो छानबीन करके कहा ईवीएम मशीन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, अर्थात घोटाला होता है। और ये बात कब कही जानते हो? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कब कही? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, उन्होंने सबूत पेश किए, सबूत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया 2013 को, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय सबसे बड़े ईमानदार आदमी देश के प्रधानमंत्री थे और दुनिया के लोग थे और ईमानदार। नोटिस इश्यू हुई और केंद्र सरकार को नोटिस इश्यू हुई, चुनाव आयोग को नोटिस इश्यू हुई और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा जवाब दो। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा जवाब दो। दोनों की बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, दोनों की बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की, चुनाव आयोग की, दोनों की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग की सुनने के बाद कहा, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग जाने के पहले अखबारों में बयान देता था ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, अकेले अकेले बोलता। जब छानबीन हुई सुप्रीम कोर्ट में तो चुनाव आयोग ईवीएम मशीन निर्दोष साबित नहीं कर पाया।
ये बात हमारे जो लोग यकीन करते हैं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, तो ज्ञान छोड़ो जानकारी तक है, ज्ञान की छोड़ो जानकारी है, ज्ञान बहुत बड़ी बात है, जानकारी तक नहीं है, इसलिए कह रहा हूं वो सारे गढ़े की औलाद है। सबूतों के साथ कह रहा हूं गढ़े की औलाद है। ए मेरे पास में ए इतने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बोल रहा साथियों, जब ईवीएम मशीन छानबीन किए बगैर लोग यकीन करते हैं, इस वजह से आप लोगों के साथ होगा हो रहा है, इस वजह से आपके पिछवाड़े लाख पड़ रही है और आप लाख खाने के लायक ही हो। ऐसे लोग जो यकीन करते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को 10 लाख मारना चाहिए और एक गिनती करना चाहिए ऐसे नारा। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये जो ईवीएम मशीन है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये निर्णय दिया, उस निर्णय में दूसरा और एक बड़ा निर्णय दिया। दूसरा बड़ा निर्णय क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए एक और मशीन लगानी होगी, उस मशीन का नाम है पेपर ट्रे, एक और मशीन लगानी होगी। दूसरी मशीन लगाने का आदेश दिया, ये दूसरी मशीन इस बात का सबूत है, फिजिकल एविडेंस है ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। पेपर ट्रेल मशीन और ईवीएम मशीन इसमें क्या अंतर है? जब आप लोग पहले वोट डालते थे तो पहले वोट डालते थे तो सबसे पहले क्या होता था, आप बैलेट पेपर पर उठाते, 2004 के पहले बैलेट पेपर होता था, जब आप वोट डालने के लिए जाते थे तो बूथ के जो कर्मचारी हैं आपको बैलेट पेपर देते, देने के बाद आप उसको देखते, ऐसा देखते दोनों आंखों से, आंख कमजोर है तो चश्मा लगाकर देखते थे ताकि ठीक से दिखाई दे, देखते थे नाम क्या है, खड़े रहने वाले लोगों का आंखों से, फिर देखते थे चुनाव निशान क्या है, ऐसे करते थे ना, चुनाव निशान क्या है तो देखते थे गधा घोड़ा सुअर कुत्ता, एग्जाम्पल दिया था, समझ में आए इसकी? मुझे नहीं समझना है, मैं समझ चुका हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं कोई भाषण करने वाला आदमी नहीं हूं, भाषण नहीं करता हूं, मैं सारे देश भर में जो चीजें लोगों को समझ में नहीं आती है वो समझाता हूं, तो ये समझाने के लिए बता रहा हूं। आप देखते हो चुनाव निशान क्या है, फिर देखने के बाद सोचते थे किसको होते किसको होते किसको होते, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए तो फिर क्या करते हैं आप? तो पहले वो स्टैंप होगा, क्या होगा उसको, हाँ सिक्का होगा, अरे शायद सारी एक्शन करके बता रहे हो, तो क्या करना है
फिर ऐसा करते थे, हाँ लग शायद फिर देखते थे तो आपको गारंटी होती थी बराबर कुत्ते को भी लग गया है, फिर आप क्या करते थे ऐसा फोल्ड करते छोटा फिर और छोटा और छोटा करने के बाद रेड बॉक्स में डालते थे, डालने के बाद निश्चिंत हो जाते थे कि मैं जिस कुत्ते को वोट डालना चाहता था उस कुत्ते को मेरा वोट जमा हो गया होता, खाती होती गारंटी होती थी कि मैं जिसको वोट डाल रहा हूं मेरा वोट उसी के नाम पर जमा हो गया, ये होता था पहले पे। ठीक है, अब ईवीएम आ गया, आपको ईवीएम भी बता रहा हूं, फिर समझ में आएगा ना क्या मामला। ईवीएम आ गया, ईवीएम में आप वोट डालने के लिए गए, ईवीएम में वोट डालने के लिए जाने के बाद आपने बटन दबाया, किसको चला गया वो, मैं पंजे पे लगा रहा हूं, हाथी पे लगा रहा हूं, साइकिल पर लगा रहा हूं, कमल के फूल पर लगा रहा हूं, दिख नहीं रहा गए किसको, कर्मचारी ओके ओके हाँ हो इधर उसको आंखों से जो ईवीएम मशीन होता था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी नहीं का मतलब है वोटर्स को बटन दबाने के बाद उसी निशान पर स्टैंप लग गया है ये आंखों से दिखाई नहीं दे, और वो वोट ईवीएम मशीन के अंदर चला जाता है। ईवीएम मशीन के अंदर जाने के बाद ईवीएम मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जमा होता है, सारे दुनिया के एक्सपर्ट, मैं नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, सारे दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो ट्रांसफरेबल होता है। समझ लो बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं क्योंकि हमारे लोगों को मालूम नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं एक ट्रांसफरेबल होता है। तो क्या होता है, आपने साइकिल पर, हाथी पर या किसी और पर दबाया, वो किसी और में जाके जमा होता है। मान लो पंजे का स्टैंप है, कमल के फूल में जाके जमा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, आंखों से ईवीएम मशीन के अंदर है, बाहर दिखाई नहीं देता है। बैलेट पेपर पर तो सारी चीजें आंखों से दिखाई देती थी, आपको कंपेरिजन करके समझा रहा हूं, बैलेट पेपर पर दोनों आंखों से दिखाई देती थी, चश्मे का नंबर कम है तो चश्मा लगाकर आप देखते थे, मगर देखकर ही करते थे। ईवीएम मशीन में आपका वोट कहां जमा हो गया है, कहां पर स्टैंप लगा दिखाई नहीं देता, इसलिए वो दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है। ये 2004 में हुआ, देखो 2004 में हुआ, पहली बार सारे देश भर में ईवीएम मशीन लगाया गया 2004 को। 2004 में ऐसा हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था, मगर अटल बिहारी वाजपेयी को मालूम नहीं था ईवीएम में घोटाला किया जा सकता। 84 में कांग्रेस ने ईवीएम मशीन लाया, कांग्रेस को मालूम था घोटाला किया जा सकता है। 2004 में कांग्रेस ने घोटाला करके सरकार बनाई, 2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके
करके सरकार बनाए, 4 और 9 सारा सारा का सारा डाटा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव ने इकट्ठा किया घोटाले का, और वो सुप्रीम कोर्ट को दिया, जिसके आधार पर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल ईवीएम से नहीं चलेगा, पेपर ट्रेल लगाना होगा। 8 अक्टूबर 2013 पेपर ट्रेल लगाने का ऑर्डर दिया। 2014 में मई महीने में लोकसभा का चुनाव हुआ। चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद नहीं लगाया, लगाई नहीं। लगाया कि नहीं लगाया लोगों को मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं? लोगों को यही मालूम नहीं है कि 8 अक्टूबर को 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया। क्यों लोगों को मालूम नहीं है? क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को इतना बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लैंडमार्क जजमेंट दिया, ईवीएम में घोटाला होता है निर्णय दिया। अखबार वालों ने एक लाइन की खबर नहीं छापी, टीवी वालों ने एक लाइन की खबर नहीं छापी, अखबार वालों ने फ्रंट पेज पर तो बड़ी नीड नीड छापनी चाहिए थी, एडिटोरियल लिखना चाहिए था, एक्सपर्ट्स ओपिनियन लिखना चाहिए था। अरे तो छोड़ो, एक लाइन की खबर नहीं छापी फ्रंट पेज पर, छोड़ो अखबार के पिछवाड़े से भी छापी। अखबार का पिछवाड़े में भी नहीं छापी। जब अखबारों ने और प्रिंट मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खबर ही नहीं छापी, तो भारत के प्रजा को मालूम ही नहीं है कि ईवीएम में घोटाला होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसे रोकने के लिए पेपर ट्रेल लगाया, एक खबर ही नहीं है। तो चुनाव आयोग ने लगाया नहीं लगाया इसका पता कैसे? सुन, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया जिसकी खबर ही प्रजा को नहीं है, तो लोगों को लगाया इसका भी पता नहीं चल सकता, नहीं लगाया इसका भी पता नहीं चल सकता, क्योंकि लोगों को खबर ही नहीं है कि ऐसा कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। चुनाव आयोग ने लगाया नहीं पेपर ट्रेल मशीन, पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया इसका क्या मतलब है? तो मैंने मशीनों के नाम रखे हैं, ईवीएम मशीन मींस घोटाला करने वाली मशीन, पेपर ट्रेल मशीन मींस घोटाला पकड़ने वाली मशीन। तो चुनाव आयोग ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाया ही 2014। क्यों नहीं लगाया? कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस में गठबंधन हो गया इस मुद्दे पर कि 2004-2009 में आपने घोटाला किया, हम चुप रहेंगे इस आधार पर कि हम भी 2 बार घोटाला करें। आरएसएस के 5 कांग्रेस के लोग गए, कांग्रेस के लोगों को आरएसएस ने कहा कि अडवाणी जी इसके विरोध में देशव्यापी रथ यात्रा निकालने वाले हैं, इससे देश खतरे में पड़ेगा, सारे देश भर में आग लग सकती है, देश खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए अडवाणी जी को रोकना होगा। आरएसएस ने कहा रोकेंगे,
हमें क्या फायदा होगा? कांग्रेस ने कहा आप राष्ट्रवादी हो, आप बहुत सज्जन लोग हो, हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम तो दो नंबरी लोग हैं, मगर आप तो राष्ट्रवादी लोग हो, आप तो बड़े सज्जन लोग, आप तो इतने सज्जन हो कि आप जूते चप्पल डाले पकड़े चलते हो, इतने सज्जन लोग हो आप, इतने धार्मिक लोग आप, तो आपको क्या फायदा होगा? ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा है तो हम कितने सज्जन हैं, कितने राष्ट्रवादी है, ये तो लोगों को बताने के लिए है, लोगों को गवाह बनाने के लिए है। आप भी जानते हो हम कितने सज्जन हैं, कितने राष्ट्रवादी है, और हम भी जानते हैं तुम कांग्रेस वाले कितने अच्छे लोग हो, कितने सेकुलर लोग हो, हम भी जानते हैं। ये छोड़ो, ये सब्जेक्ट छोड़ो, हमें फायदा क्या? कांग्रेस ने कहा ऐसा करो, एक बार आप घोटाला करके चुनाव की 2014 सरकार हमारी मदद हम करेंगे। ने कांग्रेस को कहा आपने दो बार घोटाला किया और आप हमको कई बार घोटाला करने के लिए कहते बराबरी की बात नहीं, बराबरी होनी चाहिए, एक पैरिटी होनी चाहिए। आपने दो बार घोटाला किया, हमको भी दो बार अवसर मिलना चाहिए। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा आप भी हमारी तरह घोटाला करना चाहते, दो बार वो करना चाहते नहीं, पर घोटाले में भी बराबरी होनी चाहिए। ओके ठीक, कांग्रेस ने कहा ठीक है ओके। अडवाणी ने इस बात को नहीं माना आरएसएस की, तो आरएसएस ने अडवाणी को बदल दिया। बताया अडवाणी जी की तबीयत बहुत अच्छी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, घुटने को प्लास्टिक लगाया, फिर भी आरएसएस ने अटल बिहारी वाजपेयी को 2004 का चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ने के लिए अलाउ किया। मगर अडवाणी जी की तबीयत बहुत बेहतरीन थी, फिर भी अडवाणी को आरएसएस ने प्रधानमंत्री बनने के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए अलाउ नहीं किया 2014 में। और क्योंकि अडवाणी ने नहीं माना आरएसएस की बात को, तो नरेंद्र मोदी को लाया। नरेंद्र मोदी को लाने के पीछे मकसद था आरएसएस का कि हम ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाएंगे, तो जनता के मन में आशंका पैदा हो सकती है कि अगर बीजेपी को अटल बिहारी और अडवाणी दोनों लोग मिलकर कैंपेन चलाते थे, फिर भी 186 से ज्यादा सीटें कभी सुनकर नहीं आई। दोनों बड़े नेता चुनाव लड़ते थे, फिर भी केवल 186 सीटें जीती। अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं और अगर पूर्ण बहुमत मिलता है तो लोगों के मन में आशंका पैदा हो जाएगी। तो इस आशंका को दूर करने के लिए एक ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया जाए, ताकि लोगों को यह कहा जा सकता है कि नहीं नहीं ईवीएम में घोटाला करके नहीं हुआ, 52% ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया, इसलिए बावन ने हमको वोट दिया, इसलिए हम चुनाव जीते। और नरेंद्र मोदी को उसके नेतृत्व में 283 सीटें 2014 में चुनकर आए, सिंपल मेजोरिटी के लिए 272 सीटें चाहिए थी, अटल बिहारी और अडवाणी दोनों मिलकर 186 तक ही चुनकर ला सके थे, अकेले नरेंद्र मोदी 283 सीटें चुनाव कर लाए। और आरएसएस ने मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा किया, ओबीसी के लोगों ने वोट किया, ओबीसी के लोगों ने वोट किया, इसलिए हमको बहुमत मिला, ईवीएम के घोटाले पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया गया। साथियों, जब ऐसा किया गया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, आपको सुनकर हैरानी होगी, यदि ये ईमानदारी का चुनाव था तो पेपर ट्रेल मशीन क्यों नहीं लगाया, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव क्यों कराया गया? अगर ये ईमानदारी का चुनाव था तो घोटाला पकड़ने वाली मशीन पेपर ट्रेल मशीन क्यों नहीं लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया
सोचा नहीं लगाते हैं तो चुनाव आयोग पर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की केस चलेगी, नहीं लगाए तो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने की सजा होगी, यदि होगी 6 महीने की सजा होगी। अगर पेपर ट्रेल मशीन लगाते हैं और पेपर ट्रेल मशीन में काफी एविडेंस जो है वो ईवीएम मशीन में घोटाला हुआ, ये पेपर ट्रेल मशीन के कागजी एविडेंस से प्रूव होता है, अगर प्रूव हो गया तो चुनाव कमिश्नरों पर देशद्रोहों का मुकदमा चलेगा, फिर 6 महीना नहीं फांसी सजा होगा। चुनाव कमिश्नरों ने सोचा नहीं लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार तो 6 महीना ही होगा, लगाते हैं और अगर वामन मिश्रा जैसा कागज आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर सीज कर देता है ईवीएम मशीन को, रिकाउंट का ऑर्डर लाता है जो ऑलरेडी है, फांसी पर चढ़ जाए, चुनाव कमिश्नर को फांसी की सजा हो जाएगी। ए वामन मिश्रा कोई मैंने नोए वाला मामला थोड़ी है, किसी के कागज तो है नहीं, वामन मिश्रा मैं तो गुजरात के जेल में जा गया, लोग गुजरात में जेल में जाने लगे, अरे मेरे को जेल में डालो भाई, कोई मेरे को जेल में नहीं जाता, मैं खुद ही अरेस्ट कर लिया गुजरात में, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आकर पूछ लगाया, कहने लगा आज तो आप हीरो हो गए। मैंने कहा क्यों, सारे देशवासी पेट में आ रहे, हमको तो मालूम ही नहीं था सारे जेलों से टेलीफोन आ रहा है। मैंने कहा गांधी जी जेल में जाते थे और हीरो होते थे तो आपको अच्छा लगता, मैं हीरो हो गया तो आपको थोड़ा नीचे लग रही है, ये देखी की बात नहीं है, मगर आप नेता ये हमको मार, जेल में जाते जाते गांधी जी महान हो गए, अरे हम कौन से छोटा होने आ रहे हैं, हम कौन सी चोरी करके जेल में जा रहे हैं, हम कौन सी ठगी करके जेल में जा रहे हैं, हम संविधान के रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल में जा रहे हैं। नगर में हमारा एक कार्यकर्ता ने ईवीएम फोड़ दिया, वो बोल रहा था पुलिस वाले ये क्यों नहीं कर पाए ये ईवीएम मशीन में वोटर नहीं हुआ, निर्देशों के साथियों मैं आप लोगों को बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और इस तरह से 2014 में पेपर ट्रेल मशीन चुनाव आयोग ने नहीं लगाया और 2015 में भी नहीं लगाया, 2016 में भी नहीं लगाया, जब 2016 में भी नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट के 2016 में फिर मैं सुप्रीम कोर्ट के ये दूसरा जज और सुप्रीम कोर्ट में मैंने जाकर कहा कि जज साहब ये आपका फैसला है ये 8 अक्टूबर और चुनाव आयोग इस पर अमल नहीं कर रहा है, नोटिस इशू हुआ, चुनाव आयोग को बुलाया, चुनाव आयोग का वकील कोर्ट में कहने लगा जज साहब ए वामन मिश्रा चुनाव आयोग को ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है। जज ने पूछा कैसे कैसे लिखता है
तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा, जैसा पढ़ के सुना, पढ़ने लगा, उसमें मैंने लिखा था सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया पेपर टेप लगाने का, नहीं लगाया। अरे ये तो हमारा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट, अरे तो हमारा ऑर्डर है, ये तुमने नहीं लगाया, ये वहां निशान कह रहा है, तो हमको कहना चाहिए वहां निशान कह रहा है, बंद करो बंद करो ऑर्डर का, ये ऑर्डर का 24 अप्रैल 2017 के लोकसभा चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाना, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाना, ये सुप्रीम कोर्ट का, घर की बात नहीं कह रहा, मैदान में भी लड़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लेकर जाना, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो जज आपकी फाइल वकील के मुंह पर फेंक के मारता है, है किसी को पता कोई आदमी गए सुप्रीम कोर्ट में? इसका मतलब क्या जानते हो? इतने सबूत दिया सुप्रीम कोर्ट को, इतने सबूत दिया, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को मेरे फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, कानून और संविधान के दायरे में गड़बड़ कर रहा, कानून और संविधान के विरोध में वो लोग काम कर रहे, मैं कानून और संविधान के दायरे में लेकर लड़ रहा हूं, यही बात सारे देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से आर्टिकल 19 के तहत जो मुझे संविधान ने अधिकार दिया उसके तहत कार्यक्रम लगा रहा हूं। संविधान में जो आर्टिकल 19 है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसके तहत लगा रहा हूं सारी सभाएं सारे देश भर में। एक किसी के बाप का दिया हुआ नहीं है, एक मेरे बाप का दिया हुआ ऐसा मैं कह सकता हूं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मैं वहां कार्यक्रम करने के लिए अवसर गया, उन्होंने परमिशन नहीं दिया, नहीं दिया तो ये आरएसएस की औलाद तो मैं सोचा आरएसएस की औलाद, तेरे माँ बाप आरएसएस के लोग, तेरे को क्या पकड़ लिया, बाप को पकड़ रहा, ये बात तो पकड़ूंगा, बच्चा अपने आप जमा तो आरएसएस का हेडक्वार्टर परमिशन नहीं दिया हरियाणा, मैं आरएसएस के हेडक्वार्टर पर गया, 3.5 लाख लोग वहां इकट्ठा थे, और इधर से भंडारा गोंदिया और नागपुर के चारों ओर से 200 किलोमीटर तक हमारी गाड़ियां खड़ी थी, पुलिस कमिश्नर ने नागपुर में आने के लिए पाबंदी लगाई, 8.5 हजार पुलिस लगाए, 3.5 लाख लोग इकट्ठा हुए, फडणवीस होम मिनिस्टर दो और मिनिस्टरों के साथ हमारे रैली को मॉनिटर कर रहा था, फडणवीस ने कमिश्नर को मेरे पास दे, कमिश्नर मेरे पास आया, जब कमिश्नर मेरे पास आया तो मुझे हैरानी हुई कि कमिश्नर इंस्पेक्टर को टेलीफोन करके बोल सकता था कि वामन मेश्वर को गाड़ी में डालो, कमिश्नर ऑफिस ले जाए, पावर तो कमिश्नर के पास होता है, इतनी तो अवसर मेरे पास है, तो मैंने इंस्पेक्टर को पूछा ये कमिश्नर साहब क्यों, और ये 200-300 पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को लेकर आया, इतने सिक्योरिटी में क्यों आए कमिश्नर साहब, आपके सामान नाक हुआ उन लोगों ने घेर लिया, आपके लोगों ने सारा सारा नाक घेर लिया है, तो फिर 200-300 पुलिस लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस लेकर कमिश्नर साहब नहीं आएंगे तो क्या करें, उनके ख्याल में खतरा हो गया, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब ने मुझे बुलाया और पूछा आगे आपका क्या करने का इरादा है? अरे मनीषा कमिश्नर साहब, इधर पुलिस स्टेशन में आपने मुझे डिटेन करके रखा, मैं मैदानी जंग में नहीं हूं,
फिर बताता आपको क्या करता। मैं इधर हूं पुलिस चौकी में और आप मुझे इसलिए मिलने के लिए आए कि वो 3.5 लाख लोग आपके नियंत्रण के बाहर है, आपकी सुन नहीं रहे हैं, इसलिए ना आप मेरे पास आ रहे, मेरी मदद चाहते हैं ना, आप मेरी मदद चाहते ना कि आपके लोग हैं आप कंट्रोल करो, हमारी जो आपके लोग सुन नहीं रहे, यही ना कहना चाहते हो आप। अगर यही बात आप कहना चाहते हो तो पहले दिन से कह रहा हूं मुझे अंदर मत डालना, तो लोग कंट्रोल नहीं रहे, बाहर रखोगे तो मैं तो कानून और संविधान के दायरे में काम करने वाला आदमी, मैं कोई हिंसा करने वाला आदमी नहीं। फडणवीस ने कहा हिंसा होगी, इसमें माओवादी लोग हैं, इसमें नक्सलवादी लोग हैं। फडणवीस पर नागपुर हाईकोर्ट के दायर कर दिया, औलाद है तो उसमें माओवादी थे, उसमें नक्सलवादी थे, बता दो। फडणवीस को जवाब है होम मिनिस्टर होने का क्या मतलब है, कुछ भी बकवास करेगा, झूठ बोलेगा, डिफेमेशन करेगा, डिफेमेशन करके जाएगा। और साथियों, फडणवीस ने आरएसएस के हेडक्वार्टर को मैसेज दिया कि लोग अनियंत्रित है, ये लाखों की संख्या में कभी भी आरएसएस के हेडक्वार्टर में पहुंच सकते हैं, आप आरएसएस के हेडक्वार्टर को लॉक लगाओ और वहां से भाग जाओ। आरएसएस के लोगों ने लॉक लगाया और भाग गए। वहां जो ड्यूटी करने वाला इंस्पेक्टर था उसने मुझे बताया किसी को नहीं बोलोगे तो बता, मैं नहीं बोलता, कहा कि वो लॉक लगा के भाग। मैंने कहा तुम्हारा नाम नहीं पता, मगर लोगों जानकारी दे साथियों, तो लॉक लगा के भाग गया है जिसके लोग वहां से हेडक्वार्टर। अभी खबर आ रही है कि आरएसएस के लोग नागपुर से हेडक्वार्टर अयोध्या लेके जाए, नहीं समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैंने अयोध्या के लोगों को बोल दिया है वो आ रहे हैं, जरा स्वागत कर सारे देश भर में मैं हूं, पता होना चाहिए अयोध्या में भी हूं, फैजाबाद में अयोध्या है उधर भी मैं हूं, और लाखों की कई लाख लोग जो है वहां घेर लेंगे। जब तक तुम संविधान को मानने की शपथ और अमल करने का काम नहीं करते हो, मैं तुम लोगों का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, बोलने वाला नहीं हूं, संविधान बचाने के लिए जंगी मैदान में उतरने वाला हो, केवल बयानबाजी करने वाला नहीं हूं। बयानबाजी जब उन्होंने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया 2019 में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। आया ऑर्डर, ऑर्डर आते ही सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने कांग्रेस को कहा हमारी मदद करो, अभी सरकार तुम्हारी, प्रधानमंत्री तुम, जो करना चाहे करो, तुम्हारे पास पावर है, क्या नहीं हो तो मामू में इसका है भाई, उसकी टांग जो है वो डबल हड्डी की है, सिंगल हड्डी की नहीं, वो रोक नहीं लगा सकते, आसान नहीं है, आप मदद करो। फरवरी 2019 में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, अभिषेक मनु सर्की आजकल अखबार में, कपिल सिब्बल अभिषेक नाम आ रहा है आजकल, भारत में जो 10 बड़े वकील हैं उस 10 बड़े वकीलों में अभिषेक मनु सर्की और कपिल सिब्बल एक बड़े वकील, वो कोर्ट में बहस कर रहे हैं शिवसेना के मुद्दे, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को जानकारी है कि नहीं मालूम, मैं तो जानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केसेस लड़ता हूँ। तो
अभिषेक मनु संघवी ने फरवरी में कांग्रेस के तरफ से केस दायर किया और उस केस में लिखा 50% गिलान का 50% मिलान करा। हमारे वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील ने कहा, वकील साहब, कांग्रेस के वकील का, वकील साहब आप 50% की मांग कर रहे हो, ये 2017 का जजमेंट है और 8 अक्टूबर का भी जजमेंट है, 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, पेपर ट्रेल मशीन के 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, आप 50% की मांग कर रहे हो। अभिषेक मनु संघवी को सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील ने कहा आप 50% की मांग कर रहे हो, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का 100% का ऑर्डर है, क्या आपको 50 ज्यादा होता है 100 कम होता है? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को 100 ज्यादा होता है 50 कम होता है, इस समझ में नहीं आता। अरे हमारे पास 100% का ऑर्डर है, आप 50% की मांग कर रहे हो, दूसरा 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है और आप मिलान करने की बात कर रहे हो 50%। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे इस केस में, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, एक औरत ने रंजन गोगोई पर आरोप लगाया जब हमारे केस चल रहे थे, आरोप लगाया कि जज ने विनय भंग किया, इतना बड़ा आरोप हो गया सारे देश के अखबारों में खबर आई, फ्रंट पेज पर खबर आई, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो आरोपी हो गया, आरोपी आदमी जजमेंट नहीं देता। सेकंड इन कमांड जस्टिस बोबड़े जो आरएसएस के वकील विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष थे, उसका पोता जस्टिस बोबड़े सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर का जज, जो बाद में चीफ जस्टिस हो गया, उसके नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा और 7 जज के बेंच ने जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया, जस्टिस गोगोई निर्दोष। जस्टिस बोबड़े ने उस औरत की इंक्वायरी करने के लिए जस्टिस पटनायक की जिम्मेदारी लगाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। जुडिशियल हिस्ट्री में आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष, ऐसा दुनिया की जुडिशियल हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं। ऐसा हुआ जब मैंने ये खबर देखा, खबर सुना, तब मुझे समझ में आया खिचड़ी पक गई, पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है। और 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया अभिषेक मनु संघवी के केस में, कांग्रेस के केस में 50% मिलान नहीं होगा, 1% 1% में एचओडी पकड़, मेरे पास 100% का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 1% का, ए मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है, ये सारी कॉपी है, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 1%, जब 1% का ऑर्डर दिया वो 1% के आधार पर अब ये घोटाला कैसे पकड़ा जाए, एक बार। दूसरी बात समस्या है, उसका समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 100% रिकाउंटिंग का, जब सुप्रीम कोर्ट ने 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया तो दोबारा उसी केस को लेकर
मीनाक्षी करके की केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी? एक ही मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया है, अगर फैसला दिया हुआ है तो दोबारा उसी केस में सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जाने की क्या जरूरत है? देश में क्या चल रहा है लोग बता, उसी बयान बातें चल रही। सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर हीरिंग ही नहीं करनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, इस पर तो जजमेंट हो गया। हीरिंग हुआ, 1% का ऑर्डर दिया। ये 1% का ऑर्डर क्यों दिया? क्योंकि मेरा 100% का ऑर्डर उसके ऊपर 1% का, 1% का काम होगा, 100% पीछे पड़ जाएगा, उसको दबाने के लिए 1% का ऑर्डर दिया। क्योंकि कांग्रेस ही केस लेकर अरे से बीजेपी की मदद करने के लिए डॉक्यूमेंट भी बोल रहा, कांग्रेस के जो हाईकमांड जगाने वाले एकदम लोअर लेवल के लोगों का कोई दोष नहीं है कांग्रेस को, लेकिन उनको पता ही नहीं, वो जो है हाईकमांड ये सारा हाईकमांड वाले लोगों का सारा गैर ईमानदार लोग हैं, लोअर लेवल पर काम करने वाले जो कांग्रेस के लोग हैं। और ये सारी बातें तो मैं तो डॉक्यूमेंट ही बोल रहा हूं, जिस किसी को भी डॉक्यूमेंट चाहिए और डॉक्यूमेंट में देने के दे रहा हूं। और इस तरह से 1% का ऑर्डर हुआ, 1% का ऑर्डर होने के बाद भी इतना ज्यादा घोटाला हुआ था, इतना ज्यादा घोटाला हुआ था बीजेपी के लोगों को 19 में जितवाने के लिए, इतना घोटाला हुआ 24 सितंबर 2019 को पेपर ट्रेल मशीन का सारा डाटा चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये चुनाव आयोग ने एक हमें लीक कर दिया, चुनाव आयोग ने लीक कर दिया डाटा 24 सितंबर 2019 को। पेपर ट्रेल का डाटा जो घोटाला पकड़ सकता है वो डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था ये डाटा जो है ये घोटाला पकड़ सकता है और सुप्रीम कोर्ट सीज करने का ऑर्डर दे सकता है, इसको पहले ही सोचता है। जबकि कानून में लिखा हुआ है कि ये जो डाटा है 12 महीने रखना होगा, 12 महीने का ऑर्डर है कि ये जो पेपर ट्रेल का डाटा है ये 12 महीने रखना होगा, 4 महीने में समाप्त कर डिस्ट्रॉय कर। डिस्ट्रॉय करने का मतलब है सबूत को डिस्ट्रॉय, सबूत को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है इंडियन पीनल कोड में क्रिमिनल ऑफेंस। ये चुनाव रिकॉर्ड दिया दिक्कत नहीं, और इस तरह से 1% से भी इतना बड़ा था 1%। दूसरी बात, ये जो पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को और 24 अप्रैल 2017 को जो मेरे केस में ऑर्डर दिया, ये जो ऑर्डर है इसके अनुसार पेपर ट्रेल की गिनती करने का, रिकाउंटिंग करने का ऑर्डर है। आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार पेपर ट्रेल मशीन की एक बार भी रिकाउंटिंग नहीं हुई, एक बार भी नहीं हुई। ऐसा रिकॉर्ड है, लिखित सबूत हमारे पास सारे के सारे। आप लोग सुनकर और हैरान हो जाओगे सुनकर, मैं एक आपको डाटा थोड़ा बता देता हूं तो जिससे आप और ज्यादा हैरान हो जाओगे।
चुनाव आयोग ने एडमिट किया, स्वीकार किया, लिखे क्या कहा चुनाव आयोग ने, 370 सीटों पर, 370 आउट ऑफ 543, 370 सीटों पर डाटा मेल नहीं खा, 11 लाख लोगों ने वोट दिया, 11,24,000 निकला मशीन से सर्वे, ठीक है मशीन पैदा मशीन ने लोगों ने 11 लाख वोट डाला, 11,24,000 निकाला, एग्जाम्पल बता रहे सर रिकॉर्ड में, और ये रिकॉर्ड 370 सीटों पर, 272 सीटों में सिंपल मेजोरिटी मिलती है और 370 सीटों में डाटा मिल गया, ये नहीं था लोगों ने वोट दिया, 11 लाख निकल रहा है, 11,22,000, 11,23,000, 11,16,000, 370 सीटों का, इसका मतलब है लगभग 100 सीट में मिल नहीं रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हो 1% के आधार इसके बावजूद भी 370 सीटों पर वोट आ रहा, एक स्वीकार किया चुनाव आयोग ने स्वीकार किया। साथियों इतनी भयंकर बातें चल रही हैं और मैं आपको जितनी बातें अभी तक बताया आप लोग केवल दुखी हो, इतना सस्ता हो रहा है और अखबार वाले सिंगल खबर दे रहे, मीडिया वाले सिंगल खबर नहीं छाप रहे, जिनका 2400 घंटे ये सारा डाटा और रिसर्च करके अखबार में छापने का है, ये रिकॉर्ड में होने के बाद खबरें नहीं छाप रहे हैं। इसका मतलब है भारत का जो मीडिया है, जो आर्टिकल 19 के तहत उसको अधिकार दिया गया है, भारत का मीडिया देशद्रोह का काम में लगा हुआ है, भारत का मीडिया देशद्रोह के काम में लगा हुआ है, जिनको आर्टिकल 19 के तहत अखबार और चैनल चलाने का अधिकार दिया है, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट के तहत है, एक साबन प्रोडक्ट करने का धंधा नहीं है पेपर निकालना, पेपर निकालना ये दूसरे इंडस्ट्रियल लाइसेंस की तरह नहीं है, ये आर्टिकल 19 के तहत अनुमति मिलती है, ये प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट है आर्टिकल 19 के तहत, ये मार्केट में प्रोडक्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस होता है वो नहीं है, ये प्रोडक्ट अखबार और मीडिया आर्टिकल 19 के तहत इसको यह अधिकार दिया गया है और वो अधिकार के विरोध में मीडिया के लोग खबरें तक नहीं छापते, भारत के 140 करोड़ जनता को जानकारी देने के लिए आर्टिकल 19 के तहत अखबार को अनुमति दी गई है, चैनल को अनुमति दी गई है, अखबार चैनल के झूठ बातें छाप रहे हैं और सच जो है खबर तक नहीं दे रहे लोग जानकारी तक। ऐसा नहीं है कि मेरे पोजिशन पार्टी कांग्रेस के लोग जो है
इसलिए एक हम लोग सामने एक सवाल होता है भाई, ये ईवीएम मशीन इतना सब फिल्टर चल रहा है, चल कैसे इतना सब होने के बाद भी इसको कैसे चलाया जा रहा है, ये चल कैसे रहे? दो नेशनल लेवल की पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस ईवीएम मशीन पर कंसेंसस है, राष्ट्रीय सहमति है, इसलिए चल रहा है। जो भयंकर बात है क्यों चल रहा है, मेरे अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में क्यों नहीं कर रही इस मुद्दे पर, क्यों नहीं? जो काम मेरे अपोजिशन पार्टी का है वो मुझे अकेले सारे देश भर में घूम के करना पड़ रहा है। मैं सारे देश भर में कहने के बाद सारे सोशल मीडिया में करोड़ों लोगों तक मैसेज आ रहा है, पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठा रहे? ये ईवीएम इसलिए चल रहा है कि ये दोनों मिलकर इसको चला रहा है। आप लोग सोचते होंगे रीजनल पार्टी के लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे, रीजनल पार्टी के लोग क्या सोचते हैं कि हम तो कांग्रेस के गठबंधन में हैं, कांग्रेस को ईवीएम का फायदा होगा, थोड़ा वो काम को भी ज्यादा कांग्रेस को हो थोड़ा हम को भी। बीजेपी को फायदा होगा उसके गठबंधन के छोटे दल है, इसलिए चुप है। अरे इससे रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी, रीजनल पार्टी के लोगों को मैं कह रहा हूं रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। आपको एग्जाम्पल बताता हूं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह बड़े नेता थे, काजी रानी बहुत बड़े नेता थे, दोनों ऐसा मानते थे कि हम अकेले अकेले यूपी में बहुमत हासिल नहीं कर सकते, दोनों बड़े के नेता, इतने बड़े नेता ऐसा मानते थे कि हम अकेले अकेले उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल नहीं कर सकते, दोनों ने गठबंधन बनाया बहुमत हासिल किया। हमको पता देखो दूसरी बात बहुत हैरान करने वाली, 2007 में मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा 206 सीटें अकेले ही, कभी उनके मन में ये बात नहीं है कि हम अकेले चुनाव जीत सकते हैं। मायावती ने 403 में से 206 सीटें जीती अकेले, नहीं जीत सकती अकेले, जीत लिया अकेली मायावती उत्तर प्रदेश में है जिसकी 5 साल सरकार चली, और 5 साल सरकार चलाने के बाद मायावती ने सोचा मैं तो अपने बल पर अगला चुनाव भी जीत जाऊं, तो मालूम ही नहीं है ईवीएम में उसको बहुमत दिलवाया, एग्री दिलवाया था कि बहुमत दिलवाने के पहले मायावती ईवीएम के विरोध में बोलती थी, जैसे बहुमत मिला बोलने बंद कर दिया, ईवीएम के विरोध में बोलने बंद कर दिया। तो ईवीएम ने इसलिए बहुमत दिलवाया मायावती को क्योंकि मायावती ईवीएम के विरोध में बयान दर्ज ना करे, उसको बहुमत दिया मायावती चुप हो गए। 12 को ईवीएम मशीन ने मायावती ने सोचा मैंने 5 साल सरकार चलाई दोबारा 5 साल में जीत के आ जाऊंगी, ईवीएम ने अखिलेश को बहुमत दे दी ओके, उसका बात कैसा नहीं सोचता मुलायम सिंह, काशी राम जी भी नहीं सोचते थे, मुलायम सिंह जी भी नहीं सोचते थे, अखिलेश को बहुमत दे दी। मायावती के पास 30% वोट थे, अब कितने हो गए मन मायावती 12%, अभी 12% मायावती की अकल का है, अभी है भक्ति मार है तू नाम की पूछी, दूर दृष्टि नहीं है, दूर तक देखने की अकल नहीं, समझदारी नहीं, विजन नहीं है। अभी लोकसभा का चुनाव होगा मायावती का हो सकता है 4% होगा, हो गया पार्टी का, मायावती को ईवीएम के द्वारा एक बार सरकार बनाने के
योगी पता है कौन से क्लास में पढ़ा, पूछ लो उसको कौन से साल में कौन से क्लास में गया। आरएसएस ने उस बाबा को मायावती को एक बार मुख्यमंत्री बनवाया, अखिलेश को एक बार मुख्यमंत्री बनवाया, इसके बदले में बाबा को दो बार बनवाया। एक बार लोकसभा की 72 सीटें 80 में से 72 सीटें बीजेपी ने जीती। रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। तमिलनाडु में स्टालिन को चुनाव से पहले ईवीएम के विरोध में बोलता था, ईवीएम ने उसी को बहुमत दे दिया जैसे अखिलेश को दिया, जैसे मायावती को दिया, क्लियर बहुमत। दूसरे किसी रीजनल दल के मदद के बगैर स्टालिन को पूर्ण बहुमत दिया। अभी चुनाव आने दो, नरेंद्र मोदी और एआईडीएमके के लोग और ना रहेंगे किशोर के लाभ। ये पहले से बोल रहा हूं, पहले से क्यों बोल रहा हूं, स्टालिन को यहां से खबर जाएगी स्टालिन के पास। अगर मेरी बात सुन लेगा तो विजिलेंट होगा, खबरदार होगा, तो क्या चुनाव आयोग उसकी मदद करेगा, उसके नियंत्रण में है, क्या करेगा। जब दो बार बाबा छूट कर आया तो मायावती ने बयान दिया ईवीएम में गड़बड़ी हुई। तो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने क्या कहा, बयान जी आपको पूर्ण बहुमत मिला था, हमने कभी कहा कि ईवीएम में घोटाला हो, नहीं कहा था ना, आप क्यों कह रहे मायावती चुप, इसका क्या है। अखिलेश ने भी बयान दिया, अखिलेश को आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कहा अखिलेश भैया आपको बहुमत मिला, अभी तो नहीं कहा यूपी में घोड़ा बोलो, आपको 5 साल मुख्यमंत्री बनने दिया ना, चलने दिया कि नहीं, आप दोनों को हमने 5-5 साल दिए, अब हम दो बार ले रहे हैं, आपको दो बार दिया, एक बार मायावती एक बार अखिलेश, अब हम दो बार दे रहे। ये सारी गड़बड़िया जो है हो रही है और हमारे जो नेता लोग हैं वो बात समझ ले रहे हैं कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, कितनी बड़ी बातें ईवीएम के द्वारा हो। ईवीएम ने सबसे पहले का काम क्या किया, संविधान के अनुसार लोगों को लोग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, एमएलए एमपी सरकार पार्टी को चुनने का अधिकार है, संविधान के अनुसार चुनने का अधिकार है। ईवीएम में लोगों को जो चुनने का अधिकार है सरकार एमएलए एमपी वो चुनने का अधिकार लोगों का खत्म कर दिया और ईवीएम ने अपने हाथ में लिया। अब लोग से बनने वाली लोकशाही खत्म हो गई, अब ईवीएम से बनने वाली ईवीएम शाही आ रही, अब ये जो है लोकशाही नहीं है, ये ईवीएम शाही है, तो ईवीएम के द्वारा सरकार बनाई जा रही है। तो इसलिए साथियों ये बहुत भयंकर बात है, इसको रोकना होगा, इसको रोकना होगा। तो रोकने के लिए क्या करना होगा, वो रोकने के लिए पहला काम करना होगा कि ईवीएम में इस तरह से गड़बड़ी होती है, इस सबूत के साथ मैं सारे देशभर में बता रहा हूं ताकि जो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में है कि कोई गड़बड़ी नहीं होती है वो जागृत हो। जब मैंने पहली बार अभियान निकाला था पहली बार तो सारे लोग उधर आपको तो हम बड़ा सेंसिबल आदमी मानते थे, नॉनसेंस आदमी निकला ऐसा, जब पहली बार निकला जब मैंने 8 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना अभी कोई नहीं कह रहा,
जो कह रहा है उसको भी गारंटी नहीं मिली, होता है नहीं है। और इसके बावजूद भी छानबीन किए बगैर अगर कोई कह रहा है तो मैं उसको कह रहा हूं गले की औलाद है, कोई गले की औलाद सब नहीं बताया नहीं अभी बोली है। जागरण पहला फेज है, दिसंबर तक भारत बंद करेंगे सारे देश। अभी तक 10,000 संगठनों के साथ हमारी वार्ता हो गई, छोटे छोटे 10-12 लाख संगठन है, ये सारे देश भर में बहुत बड़ा विशाल आंदोलन खड़ा किया है। लोग मुझे कह रहे हैं ये जागरण करने का काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जागरण से लोग मानने वाले नहीं, बहुत बदमाश लोग है। तो मैंने पूछा अभी क्या करना हो गया, एक्शन करना, रिएक्शन में क्या करना होगा, कहा ईवीएम तोड़ना होगा। लेकिन मैं इससे सहमत हूं, ईवीएम तोड़ना होगा मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं चुनाव आयोग को एक बार अपील करता, आह्वान करता हूं कि आप ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव करने के लिए मैं आपको सहमति देने के लिए शर्तों के साथ आया हूं। नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार संविधान ने दिया, तो चुनाव आयोग को साथ में नागरिक समितियां बनाई जाए, नेशनल लेवल की एक, राज्य लेवल की एक, लोकसभा लेवल की एक, विधानसभा लेवल की नागरिक समितियां बनाई जाए। दूसरी बात, जो मशीन बनाने का ऑर्डर दिया जाता है वो ऑर्डर चुनाव आयोग देता है मशीन बनाने के लिए, तो कंपनी वालों को चुनाव आयोग कहता है हमको घोटाला करने वाली मशीन चाहिए। मशीन ऐसे थोड़ी होता है, मशीन को ऐसा बनाना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग ऑर्डर देती है हमको घोटाला करने वाली मशीन चाहिए, तो कंपनी कहती है ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा, आपको सस्ते में मशीन दे, ईमानदार मशीन आपको सस्ते में देते हैं, ईमानदार क्योंकि वो सस्ते में कैसे बने और ये घोटाले वाले महंगे कैसे, घोटाला करना है तो बहुत उतार दुनिया भरेगा, उसको जोरदार करना पड़ेगा, मशीन भी लगानी पड़ेगी तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा पैसा देगा। क्यों? हमारे जेब से थोड़ी जाता है, जनता के टैक्स से, ये आप लोगों के टैक्स से पैसा जमा होता है, टैक्स से जाएगा, चुनाव आयोग की जेब से थोड़ी जाएगा। अगर नागरिक समितियां हो जो देश में चुनाव जीतवाने का काम करने का मेन आधार है, वो अगर नेशनल लेवल पर समिति होगी तो चुनाव आयोग को उसकी सहमति लेनी होगी कौन सी मशीन बनानी, कैसी बनानी। निगरानी नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार उसको दिया है चुनाव आयोग के साथ, निगरानी नियंत्रण और निर्देशन वही नागरिकों को दिया है, नागरिक ही तो सरकार चुनते हैं, वही तो सर्वोच्च पावर है, लोग जनता ही तो सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च जनता को नागरिक समितियां बनाना कोई गलत बात नहीं है, नागरिक समितियां इससे क्या होगा निगरानी। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का लोकसभा और विधानसभा के लिए 3 जज का पैनल हो जो मिनट टू मिनट मॉनिटर करे, घोटाला होने के बाद कोर्ट फैसला देगा, भाई घोटाला होने के बाद नहीं, एक मिनट टू मिनट सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, 3 जज का पैनल रखाए, रनिंग जज, संवैधानिक तरीका, तोड़फोड़ का जो तरीका है वो संवैधानिक,
कानून से दिसंबर तक का चुनाव आयोग को हम अवसर देते हैं, दिसंबर तक हम भारत बंद करेंगे सारे देश भर में। अभी तो 10,000 संगठन के कार्यकर्ता हजार हो गए हैं, हो सकता है हम लोग लगभग 4-5 लाख संगठन छोटे छोटे, आप लोगों को भी कहता हूँ अपने अपने तहसीलों में, अपने अपने जिलों में इस तरह के जो छोटे छोटे संगठन है, तमाम संगठन है, मीटिंग करो, कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाओ। और इसके बाद अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है, संवैधानिक बात नहीं मानता है, कानूनी बात नहीं मानता है, फिर लोगों की ये सजेशन कि ईवीएम तोड़ना चाहिए, फिर मैं उससे सहमत, उसके बाद ये तोड़ने के लिए सहमत हूं, तो उस तारीख के बाद तोड़ने वाले लोगों को तैयारी करना चाहिए। एक गलत हो तैयारी आज से ही शुरू कर दो, मैं सारे एरिया में लोगों को बोलता हूँ तैयारी देखो, शेड्यूल कास्ट के 15 लाख लोगों को 15 लाख बूथ पर तैयारी करो, शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख लोग तैयार करो, एमबीसी के 15 लाख तैयार करो, ओबीसी के 15 लाख तैयार करो, माइनॉरिटी के 15 लाख तैयार करो, महिलाओं के 15 लाख तैयार करो। जब तुम कानून नहीं मानते हो, संविधान नहीं मानते हो, 140 करोड़ जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, तो फिर जनता अपने हाथ में कानून देगी और थोड़ी मशीन तोड़ेगी, हम उसमें सक्रिय रूप से सहभागी होंगे और तोड़ने का काम ये करना हो, इसके अलावा फिर कोई उपाय रहेगा नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि इससे देर होगा, कुछ लोगों ने मुझे कहा इससे देर होगा, तो मैंने कहा गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि महान हो गए, तो हम जेल में जाते जाते लहान होंगे कि महान हो गए, चोरी करके थोड़ी जेल में जाए, डकैती करके थोड़ी जेल में जाए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, मान लो ईमानदारी से चुनाव कंडक्ट नहीं करवाए गए, लोगों का चुनाव पर से अविश्वास बढ़ जाएगा और लोग हथियार उठाना शुरू कर देंगे, जब हथियार उठेगा देश खतरे में पड़ेगा, संविधान खतरे में पड़ेगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। तीन बड़ी बातें दांव पर लगी हुई है, तीनों को बचाने के लिए अगर हम जेल में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर क्या आपकी बात क्या है, आपकी बात तो रहने वाला है। जिस आधार पर आप देश का चुनाव सरकार बनाते हो वोट का अधिकार खत्म हो गया, ईवीएम मशीन ने हैजा कर लिया आपके पास था अभी नहीं है, इसलिए आपको इस काम के लिए अभी से तैयारी करना चाहिए। अगर आप ऐसी तैयारी करते हो तो और मीटिंग लो, मीटिंगों की खबरें सोशल मीडिया में डालो और उसका एक लेटर बनाकर चुनाव आयोग को लिखो, फोड़ने की तैयारी कर, फोड़ने की तैयारी कर, जब आप मीटिंग लोगे सारे देश भर में और एक चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखोगे कि ये मीटिंग हमने 50 लोगों की 100 लोगों की ली है और तैयारी कर रहे फोड़ने, तो मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो फोड़ेंगे, तो चुनाव आयोग को लगेगा कुछ करना पड़ेगा। इसलिए आने वाले समय में हम लोगों को इस तरह की तैयारी करनी है और इस तरह की तैयारी आप लोग करोगे इस आशा और विश्वास के साथ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके आभार, धन्यवाद।